गाइज वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ह्यूज अमेजॉन किचन ऑर्गेनाइजर्स हॉल और बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजर्स मैंने परचेस किए हैं और आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं। और आप लोग बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे इस हॉल का, तो फाइनली ये हॉल आ गया है आपके लिए। तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है कि आपको क्या क्या इसमें पसंद आया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये सारे प्रोडक्ट। और हाँ, ये जो प्रोडक्ट है कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, क्योंकि काफी सारे प्रोडक्ट मैंने लिए हैं और एक एक करके कलेक्ट किए हैं जब से मेरा रिनोवेशन स्टार्ट हुआ था तब से। और एक हॉल नहीं है ये, मतलब इसके पार्ट आने वाले हैं आपके लिए। ये थ्री पार्ट में डिवाइड है ये हॉल। और ये पहले मैं एक हॉल दिखा देती हूँ आपको, पहला पार्ट दिखा देती हूँ, उसके बाद आपको दूसरा पार्ट दिखाऊंगी और इसके बाद आपको तीसरा पार्ट दिखाऊंगी। बैक टू बैक मैं शूट करने वाली हूँ और आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। और सारी चीजें मैंने किचन के लिए ली है, तो आपको सारी चीजें बहुत बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। और तो चलिए फिर ज्यादा देर ना करते हुए देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें मैंने परचेस किए हैं। और हाँ, आप लोग लिंक्स मांगते रहते हो तो एक एक प्रोडक्ट का लिंक आपको सेंड करना पॉसिबल नहीं होगा, तो इसी वजह से मैंने सारे प्रोडक्ट्स के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। और उसके बाद अगर आपको नहीं पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है तो मेरे टाइटल पे एक बार क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहां पर आपको इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। और जो भी प्रोडक्ट का आपको लिंक नहीं मिला तो वो समझ जाना आउट ऑफ स्टॉक है, इसी वजह से आपको लिंक नहीं दिया है मैंने। तो चलिए फिर दिखा देती हूँ आपको एक एक प्रोडक्ट। सबसे पहले ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट दिखाती हूँ आपको, तो ये है वो प्रोडक्ट। और इसमें आप स्पून्स रख सकते हो, इसमें आप फोक्स रख सकते हो, इसमें आप नाइफ वगैरह रख सकते हो, जो भी जरूरत की चीजें है वो रख सकते हो। और आपको ये सिरेमिक का लग रहा होगा, बट ये सिरेमिक का नहीं है, प्लास्टिक का है। मतलब डरने की कोई जरूरत नहीं कि ये टूटेगा उठेगा आपके मतलब रफ यूज से, तो ये कुछ भी होने वाला नहीं है। और इसके नीचे आप देखो, ये वॉश करने के बाद ड्रेन होने के लिए, पानी ड्रेन होने के लिए ये छेद भी दिए हुए हैं और इसमें टाइट आ जाता है। ये वुडन का है नीचे वाला स्टैंड, और उसके बाद ये देखो इसमें टाइट आ जाएगा अच्छे से। और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी कि बच्चे बच्चे हैं गिरा देंगे तो आपका सिरेमिक का टूट जाएगा, तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और इसे वॉश करने के लिए कि इसके साथ ही ब्रश दिया होता है, तो काफी अच्छा लगा मुझे ये। और इसमें ही रखने के लिए मैंने ये वुडन स्पैचुला लिया है जो मुझे सेट मिला है, ये पूरा का पूरा। ये इसमें काफी सारे स्पैचुला आया है, जैसे कि कुकिंग करने के टाइम जो के लिए काम आएंगे ये सारे के सारे स्पैचुला। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है मेन तो, मतलब 10 स्पैचुलाज आपको मिल जाता है। तो इसमें आप इस तरह से रख सकते हो, ये देखिए इसमें आप इस तरह से रख सकते हो, तो इसी वजह से मैंने ये लिया है। और बहुत ही ज्यादा क्यूट प्रोडक्ट लगा मुझे। तो ये है मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट और ये है मेरा सेकेंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे। ये मटका रखने वाला स्टैंड है और यहाँ से आपका अगर मटका है और उसमें नल वल है तो आपका नल यहाँ से निकलेगा और आप इजीली पानी ले सकते हो उसमें से। और जो आपका मटका है ना वो सेफ रहेगा, इसमें गिरने विरने का डर नहीं है, तो इसी वजह से ये मटके का स्टैंड लिया है मैंने। और काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का रिसीव हुआ है मुझे, काफी ज्यादा हीवी है, अच्छी क्वालिटी का है, तो आप डेफिनेटली इसे ले सकते हो। क्योंकि अगर आप इसमें भरा हुआ मटका रखते हो तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आपका मटका भरा हुआ है तो इससे ये स्टैंड कुछ लपक जाएगा या कुछ इसको प्रॉब्लम होगा, टूट जाएगा, तो ये ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, काफी ज्यादा स्टर्डी है। उसके बाद मैंने लिया है ये नाइफ और स्पून रखने के लिए ये स्टैंड। ये वुड का है और इसमें अगर आप स्पून और फोक्स रखते हो ना, बहुत ज्यादा क्लासी लुक देगा आपके किचन को। बहुत ज्यादा पसंद आया मुझे ये और बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, ज्यादा कॉस्टली नहीं है। उसके बाद मैंने ये मेजरिंग कप्स लिए हैं जो आपके कुछ भी चीज मेजर करने के काम आएंगे, और स्टील के है, स्टेनलेस स्टील के, तो ये खराब भी नहीं होंगे, टूटने उठने का डर नहीं है। और उसके बाद काफी सारे स्पून आते हैं, देखो ये स्पून भी है, ये कप भी है इसमें, तो ये पूरा सेट ही आ जाता है। ये तो आपके काम आएगा, मतलब कुछ भी मेजर करने के लिए, जैसे कि आप कप से कुछ मेजर करते हो तो ये कप्स काम आएंगे, और कुछ स्पून से मेजर करते हो जैसे कि केक बेक बनाने के लिए जिन स्पून चाहिए होते हैं तो वो ये स्पून काम आएंगे उस टाइम। तो ये दोनों का सेट ही आता है और ये भी मुझे ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ा था, तो ये भी बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है आपके किचन में। उसके बाद मैंने लिया है ये वुडन ट्रे, ये भी आप अगर सर्व करना चाहते हो इसमें तो आप सर्व कर सकते हो। अगर आपको इसमें कुछ सजा के रखना है तो आप इसमें कुछ सजा के रख सकते हो किचन में, या आपको कुछ ऑर्गेनाइज करना है इसमें तो आप कुछ ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो। काफी ज्यादा अच्छा है, लाइट वेट है, ज्यादा वेटेड नहीं है। और उसके बाद काफी अच्छी क्वालिटी का भी है, कुछ कहीं से चुभ नहीं रहा है, कुछ नहीं है, तो काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे। और ज्यादा प्राइस भी नहीं है इसकी, तो आप ले सकते हो डेफिनेटली ये भी। उसके बाद मैंने लिया है ये ट्रे,
तो ये ट्रे भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर आपकी ऑयल बॉटल्स है तो आप इसमें रख सकते हो। इसमें आप देखो अंदर मैट डी हुई है, उसके बाद ये पूरा वुडन लुक देता है। और इसमें कलर ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप जो चाहो वो ले सकते हो। मैं तो इस कलर में ऑर्डर किया था, तो मुझे वुडन लुक में चाहिए था, इसी वजह से मैंने ये कलर ऑर्डर किया था। काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे ये भी। उसके बाद मैंने ये बास्केट ऑर्डर की है। ये थोड़ी सी कॉस्टली है, बट इतनी ज्यादा मुझे पसंद आई थी कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। मैंने तुरंत इसका ऑर्डर प्लेस कर दिया। इतनी ज्यादा अच्छी है ना, और क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी मुझे रिसीव हुई है इसकी। आप इसमें भी कुछ सजा के रख सकते हो, इसमें भी कुछ अचार वगैरह की बरनिया या कुछ ऐसे रख सकते हो आप इसमें। और आप इसे किचन में भी रख सकते हो, आप इसे अपने ड्रेसिंग टेबल पे भी रख सकते हो सजा के। आपके मेकअप इसमें आ जाएंगे, इसमें आपके क्या बोलते हैं ब्रश स्टैंड और ये सारी चीजें आ जाएगी इसमें आपके। तो काफी ज्यादा अच्छी है ये बास्केट और काफी यूजफुल भी है। तो ये मैंने ली है और क्वालिटी मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लगी इसकी। उसके बाद मैंने लिया है ये टोंग। ये आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आए थे, सिलिकॉन टोंग। और इसका लिंक आप लोग बहुत लोग मांग रहे थे कि आप दी इसका लिंक दो, तो मैंने काफी लोगों को इसका लिंक भी सेंड किया था। तो ये है वो टोंग जो दो का सेट आता है। ये एक 9 इंच है, एक 12 इंच का है। ये एक 9 इंच का है सॉरी, और एक 12 इंच का है। तो यूज करते हो ना तो आपको मजा आ जाता है इसको यूज करने के टाइम। तो इतने सुंदर है ये, कुछ आप उठाने के लिए इसको यूज कर सकते हो, कुछ आप भूनने के लिए इसको यूज कर सकते हो। मैं पापड़ भूनने के लिए यूज करती हूँ, मैं कुछ उठाने के लिए यूज करती हूँ। काफी सारी गर्म चीजें होती है जो उठाने में आपको दिक्कत होती है, उस टाइम आप ये यूज कर सकते हो। जैसे पकौड़े वकड़े होते हैं गर्म होते हैं, तो उसको इसकी हेल्प से उठा के आप प्लेट में रख सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है। और उसके बाद मैंने लिए है ये मैट्स जो एंटी स्किड मैट्स है, और इसकी आपके किचन में बहुत ज्यादा जरूरत है। किचन में क्या, आपके वार्डरोब में डालने के लिए एंटी स्किड है, तो इससे आपकी चीजें स्किड नहीं होगी, मतलब स्लिप नहीं होगी, या दिखने में भी बहुत ज्यादा अच्छे दिखते हैं। इतने ज्यादा कॉस्टली नहीं कि आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो इतना ज्यादा 5 मीटर का ये रोल आता है और काफी ज्यादा अच्छा है। एक बार अगर आप ले लेते हो ना, इसे मेजर करके काट लो और आपके किचन कैबिनेट में लगा दो। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, न्यूज़पेपर आपको चेंज करने पड़ते हैं बार बार, बट ये चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अगर आप ले लेते हो ना तो सालों साल ये चल जाएगा। इस पे अगर कुछ गिर भी जाता है, कुछ आपको ऐसा लगता है कि ये गंदा हो गया है, तो आप इसे वॉश भी कर सकते हो। उसके बाद मैंने लिया है एक लाइटर जिसकी मुझे जरूरत थी अपने किचन में, और जो मेरे किचन का कलर है उससे मैचिंग है। तो इस तरह से ये लाइटर है, और आप कैंडल भी जला सकते हो इसे, आप गैस भी जला सकते हो, और उसके बाद इससे आप दिवाली के दिए भी जला सकते हो। तो काफी ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है ये। और उसके बाद इसमें आपको रिफिल भी मिल जाती है, इसके अंदर का जो गैस खत्म हो जाता है ना, भर सकते हो आप इससे, तो ये भी इसमें मिल जाता है। तो ये काफी ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट लगा, और इसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसी वजह से आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है ये। उसके बाद मैंने लिए है ये छन्निया। तो इसका 3 का सेट था, तो इसी वजह से काफी अफोर्डेबल लगा था मुझे, तो इसी वजह से मैंने ये ऑर्डर कर दिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे किचन का कलर ग्रीन एंड ऑफ व्हाइट है, तो इसी वजह से उससे मैच होती हुई मैंने ये छन्निया ऑर्डर की है। और ये स्ट्रेनर मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छे लगे, क्योंकि 3 का सेट है और उसके बाद अफोर्डेबल बहुत ज्यादा है, तो आप डेफिनेटली इसे भी ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो इसे भी। उसके बाद जो मैंने लिया है ना, वो आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, और मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद आया था। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि किचन का कलर ग्रीन है ना, मैंने उसी टाइप में ग्रीन एंड ऑफ व्हाइट में ये जो पिकल जार है वो ऑर्डर किए थे। ये सेट है पूरा पिकल जार का, और ये देखो आप अलग अलग तरह के पिकल इसमें रख सकते हो और डाइनिंग टेबल पे ये सजा सकते हो, तो काफी ज्यादा सुंदर लगेगा। ये देखिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, सिरेमिक का है और ज्यादा महंगा भी नहीं है, अफोर्डेबल है, तो आप ले सकते हो डेफिनेटली इसे। इसमें कलर ऑप्शन भी शायद मिल जाएंगे आपको। तो मैंने तो इस कलर में, मुझे जैसे ही दिखा ये तो मुझे लगा कि मेरे किचन में ये होना ही चाहिए। और इस चीज की मैं कब से तलाश कर रही थी कि मुझे ये ऐसी कुछ चीज मिल जाए कि जो जिसमें मैं पिकल्स अच्छे से रख सकती हूँ और स्टाइलिश भी दिखे, तो ये मुझे मिल गया फाइनली, और ये मैंने परचेस कर लिया। उसके बाद मैंने लिया है ये टी एंड शुगर कंटेनर। ये क्या बोलते हैं, बेज कलर में है, ऑफ व्हाइट कलर बोल सकते हो आप इसे। और मेरे किचन में जो कलर है, मैंने जैसे कि आपको बताया, कुछ मैंने ग्रीन कलर ऐड किया है, कुछ मैंने ऑफ व्हाइट कलर ऐड किया है, तो कुछ चीजें ऑफ व्हाइट कलर के लिए है, कुछ ग्रीन कलर के लिए है। तो ये मैंने ऑफ व्हाइट कलर का लिया है टी एंड शुगर के कंटेनर। इतने ज्यादा अच्छी क्वालिटी के मुझे रिसीव हुए है ना, कि मुझे सच में बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। इस तरह से ओपन होके, इस तरह से क्लिक करते हो तो आपका ये बंद हो जाएगा, और इस तरह से ओपन करते हो तो आपका ये ओपन हो जाएगा।
तो इसमें आप कॉफी भी रख सकते हो, कॉफी भी अच्छे से एयरटाइट रहेगी, आपकी कॉफी खराब नहीं होगी, बट टी एंड शुगर के लिए है ये। इसमें तीन का भी सेट आता है, आप चाहो तो वो भी ट्राई कर सकते हो, बट मुझे टी एंड शुगर के लिए ही चाहिए था तो इसी वजह से मैंने ये ले लिया। उसके बाद मैंने लिया है ये फ्यूचरा का, मतलब ये हंडी टाइप में है, तो आपको दिखा देती हूँ मैं किस तरह से है। ये मुझे इतनी क्यूट लगी ना, आपको क्या ही बताओ। ये देखो, ये नॉनस्टिक वाली है, नॉनस्टिक मीन्स वैसा वाला नॉनस्टिक नहीं, हार्ड वाला वो नॉनस्टिक है। इसके ऊपर लीड मिल जाता है, जैसे कि आप इसमें बिरयानी वगैरह बनाते हो तो बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी और बनाने भी मजा आएगा। तो इस तरह से ये हंडी है और इतनी ज्यादा क्यूट है और इतनी ज्यादा अच्छी है ना, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। फ्यूचरा की है तो आपको ब्रांड तो पता ही है कि अच्छा है करके, और इसी वजह से मैंने ली है। और इसके बाद आपको ये कुकिंग बुक भी मिल जाती है इसके साथ, तो काफी ज्यादा अच्छी लगी मुझे ये, और आप डेफिनेटली इसे परचेस कर सकते हो। और उसके बाद मैंने जो लिया है ना वो आपको दिखाती हूँ, ये है। ये एक्चुअली इसमें आप प्लेट्स वगैरह भी रख सकते हो, इसमें आप लीड भी रख सकते हो, इसमें आप पैन्स वगैरह भी रख सकते हो। इस तरह से अगर आप रखते हो तो इसमें पैन इस तरह से सॉरी इस तरह से अगर आप रखते हो ना तो आपके कैबिनेट में, किचन कैबिनेट में आप इसमें पैन ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो, फ्राई पैन, कढ़ाई, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो, या आप इसमें लीड भी रख सकते हो। तो काफी ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है ये, और ऑर्गेनाइज करने के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। उसके बाद मैंने लिया है ये चकला और बेलन। ये एक्चुअली मेरे पास वो था, मतलब सादा वाला लकड़ी का था, ये मैंने लिया है। और ये ना इसके साथ एक चकला आया है, ये देखिए मैंने मार्बल का लिया है, ये है ऑफ वाइट कलर में। और उसके बाद इसके साथ दो बेलन आए हैं, चकला भी काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है ये, और इसके साथ ये बेलन है, दो आए हैं बेलन। तो ये है बेलन, अगर एक टूट भी जाता है दूसरा काम आएगा, या तो दूसरी चीजों के लिए ये दूसरा काम आएगा। तो ये काफी ज्यादा अच्छे बेलन और चकला है, मतलब सेट है पूरा, और इतना ज्यादा अफोर्डेबल है, आप ले सकते हो डेफिनेटली इसे। बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया मुझे ये। तो गाइज ये थी मेरी अमेजोन की किचन ऑर्गेनाइजर शॉपिंग। आई होप गाइज आपको पसंद आई होगी। अगर ये हॉल आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी तक आपने नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जब करोगे ना, उसके बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसे दबाना मत भूलेगा, उसे ऑल पे क्लिक करना, ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ही सबसे पहले मिले और उसे आप सबसे पहले देख पाओ। और इसके अलावा मेरे दो और चैनल है, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।